दोस्तों हम लोगों ने नए अनार का बगीचा लगाया। आपने इसका प्लांटेशन के टाइम का वीडियो देखा होगा। इस पेड़ को अभी अच्छी तरह से शेप देना है ताकि उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ रहेगी वो अच्छी तरह से हो जाए। अगर टाइम पे प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये देखो आप कैसे ये नीचे गिर गए, इसलिए हम लोग अभी उसकी प्रूनिंग करके लेंगे। पहले हमें देखना है कि इसको कितने बूंदे है। बेसिकली हम लोग 3 बूंदे तक रखते हैं नीचे। अभी एक ही है और दूसरा एक शूट है। पहले हम उसका बूंदा ठीक करके लेते हैं। साइड से निकला है वो निकलना है। ये साइड से आए उसको भी हम लोग निकाल देंगे। अभी ये जो पेड़ है ये 1 बूंदे पे रहेगा। अब ये टहनी है ये अब कट करते हैं। बूंदा ठीक करके हुआ है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अच्छी तरह से प्रूनिंग करके लेंगे। अब इतने दूरी पे इसको अच्छी तरह से शेप करके लेंगे। इससे क्या होगा जो नई टहनियाँ निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगी, फिर ऐसे राउंड शेप में निकलेंगी। मतलब पेड़ की ग्रोथ हो जाएगी वो राउंडेड हो जाएगी, मतलब ऐसे सीधा बढ़ेगा नहीं पेड़। अब दिखा देता है इसको भी हम लोग निकाल देते हैं। ये देखो साइड से पूरा निकाल दिया, ऊपर से भी ये निकाल लेंगे। ये देखो आप पेड़ कैसे बन गए। अब सब साइड से उसकी प्रूनिंग कर के लिए हम लोगों ने देखो यहाँ साइड से एक बचा था। अब यहाँ से बूंदा साफ करके लिए है। अब ये पेड़ बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, मतलब सीधा ऊपर नहीं जाएगा ये। आपको आज का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको हमारे चैनल पे खेती के रिलेटेड ऐसे सब काम देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन अपकमिंग वीडियोज़।